नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑडियो मिक्सर की, लेकिन उससे पहले एक कमेंट सेक्शन में किसी की क्वेरी थी कि जहां पर किक्स या स्नेयर वगैरह पड़ी होती हैं, साउंड्स वगैरह लेफ्ट साइड पे, इस सेक्शन में वो मुझे मिल नहीं रही, तो कहां से मिलेगी। याद रखिए, इस टॉप सेक्शन में यहां पर तीन बटन्स हैं। पहले वाले बटन पे क्लिक कीजिए, मैं इसको बिल्कुल ऑफ करके आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। ये भी ऑफ, सब कुछ ऑफ। जो पहले वाला बटन है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको दिखती हैं प्लगइन डेटाबेस, प्लगइन प्रीसेट्स, चैनल प्रीसेट, और ऐसे करते 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 एक यहाँ पर होगा पैक्स। इस पैक के अंदर जितने भी सैंपल्स हैं, किक, स्नेयर वगैरह, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ आ गए हैं ड्रम्स। ड्रम्स के अंदर है मेरे सिंबल्स, मेरी किक्स, परकशंस हो गए, साउंड इफेक्ट्स हो गए, स्नेयर हो गया, टॉम हो गया, और इसके अंदर जो नए ड्रम्स भी ऐड हुए हैं FL12 में, वो भी हैं। साथ ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आती हैं लूप्स, जो पुरानी लूप्स हैं FL Studio 11 से चलती आ रही हैं, और साथ ही लेगेसी में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पुराने भी सारे सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। मैं ड्रम पे क्लिक करता हूँ, ड्रम्स में जाते हैं हम हिप हॉप, हिप हॉप में गए तो ये बहुत अच्छी स्नैप दी हुई है यहाँ पर। तो याद रखिए, इन तीनों में से पहले नंबर पे क्लिक किया, वहाँ पर जितना भी आपको, जो मर्जी भी आपको, मान लीजिए बहुत कुछ खुला हुआ है, मैं काफ़ी कुछ यहाँ पर खोल देता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा दिखना शुरू हो जाए। ओह, बंद ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपने पैक्स ढूंढना है, उसके अंदर आपको सारी साउंड्स मिल जाएंगी। बैक टू द टॉपिक, ऑडियो मिक्सर। आपने जिंदगी में कभी भी कोई म्यूजिक स्टूडियो की पिक्चर अगर सर्च की होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ म्यूजिक स्टूडियो, या फिर हम लिखते हैं मिक्सिंग कंसोल, और यहाँ पर मैं जाता हूँ इमेजेस, तो आपको बहुत सारे स्टूडियोज की पिक्चर में कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। मैं एक बड़ा सा मिक्सिंग कंसोल कोई खोल लेता हूँ, चलिए ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनगिनत नॉब्स हैं, और इनको देख के आप घबरा जाते हैं कि अरे म्यूज़िक प्रोडक्शन मीन्स दिस थिंग, इतना बड़ा ये एनालॉग मिक्सर है जिसको हम वीडियोज़ में देखते हैं कि वो लगातार छेड़ रहे होते हैं और कुछ इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। ये चीज़ का एग्जैक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आखिर यहाँ चौथे पे रखा हुआ मैंने। यहाँ अगर आप जाते हैं तो आप हिंट पैनल में देखेंगे व्यू मिक्सर, इस पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने जो ये आ गया है, ये है ऑडियो मिक्सर, ये एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका है। अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे नॉब्स हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, जो एग्जैक्टली ये वाले नॉब्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे इस तरह के। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ग्रीन ग्रीन लाइट्स हैं, और यहाँ पर कुछ लेफ्ट राइट मूव करते हैं, और फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक सेंटर में कोई चीज़ होती है। मैं कोई और एक क्लीन पिक्चर अगर मुझे मिल जाए, ये काफ़ी क्लीन पिक्चर है, बहुत सारे इफेक्ट हैं, ऊपर नीचे नॉब्स हैं, और बीच में एक कोई चीज़ लगी हुई है, ये वो चीज़ है। मैं किसी भी स्लॉट के ऊपर, यहाँ तक स्लॉट्स दिए गए हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखती है। आप कहीं भी लेफ्ट राइट लेकर जाते हैं तो आपको दिखते हैं कितने सारे इफेक्ट्स FL Studio में या फिर किसी भी और डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारे हैं। आपने एस्केप बटन दबाया, वो चले गए। अब ये थे क्या, राइट क्लिक, यहाँ बंद किया, मिक्सिंग कंसोल। आज हम मिक्सिंग का पार्ट शुरू करने वाले हैं। वैसे पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, क्योंकि जब हमने फ्रूटी फ्री फिल्टर यूज़ किया था। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने प्ले किया, यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ, FL कीज़ ले लिया है, राइट क्लिक, पियानो रोल, कंट्रोल, इसको सिलेक्ट किया, पूरा ले गए, मैंने एक कॉर्ड सेक्शन यहाँ पर लिया है, पैटर्न वन पे क्लिक किया, ये आपके हाथ में आ गया है, इस चीज़ को मैंने हटाया, वापस मैं ये चैनल रैक के ऊपर आता हूँ। अब
मान लीजिए आपके गाने के अंदर टोटल 25 साउंड हैं, जिसमें से उन 25 लेयर्स में से कोई लेयर होगी वोकल्स की, कोई होगी बैकिंग वोकल्स की, एक हो गया कोई मेरा रिदम सेक्शन हो गया, एक बेस गिटार चल रही है, एक रिदम गिटार चल रही है, एक पियानो सेक्शन चल रहा है, फिर आपने कुछ सोचा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे मैं एक फ्लूट सेक्शन रखूँगा, राइट साइड पे मैं कोई कॉन्गो सेक्शन रखूँगा, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। तो वो सब जब इतना सारा शोर यहाँ पर मच जाता है, यहाँ पर एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, और लेयरें ही लेयरें भरी होती हैं बहुत सारी, जो मैं आपको किसी अपने गाने में कभी खोल के दिखाऊंगा, तो जब ये इतना सारा हो जाता है तो बहुत सारा शोर मचना शुरू हो जाता है। तो इस शोर से बचने के लिए या उस साउंड को प्रोफेशनल करने के लिए आपको एक एक लेयर, जितने भी पैटर्न्स हैं, सबको एक स्पेसिफाइड मिक्सिंग के अंदर एक मिक्सर चैनल असाइन करना पड़ता है, ताकि आप हर एक लेयर का लेवल सेट कर सकें, कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ आनी चाहिए ये सिलेक्ट कर सकें, कौन सी साउंड लेफ्ट में हो, कौन सी राइट में हो, किस तरह से उसके ऊपर और अलग अलग इफेक्ट्स लग रहे हों, वो सारी चीज़ें हम मिक्सर में कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आया, बेस्ट तरीका क्या है, आपके सामने FL कीज है, इसका आपने कॉर्ड सेक्शन यहाँ प्ले किया है, ये पैटर्न वन में है, यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर ये लेकर जाता हूँ तो हिंट पैनल क्या बोलता है, टारगेट मिक्सर ट्रैक, ठीक है। अब ये वन दिखा रहा है, इसको मैंने चलिए जीरो कर दिया, मैंने इसे पकड़ा, या तो मैं पकड़ के ऊपर नीचे कर सकता हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, या फिर मैं मेरा जो माउस का बीच वाला स्क्रॉल बटन है उसे भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ इस तरह से। तो मैंने चलिए इसको दे दिया 14 नंबर, टेक्निकली होना चाहिए पैटर्न वन शुड बी इन पैटर्न वन चैनल वन, 5 नंबर का पैटर्न होना चाहिए 5 नंबर के चैनल में, इस तरह से आपकी पूरी फाइल काफ़ी क्लीन बनती है। बट सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मिक्सिंग पे क्लिक किया, या आपका मिक्सर आ गया, जैसे ही मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ये 17 नंबर में FL कीज मैंने डाली है, अपने आप 17 को हाईलाइट कर रहा है, मैं आगे ले गया 22, वो 22 में कर रहा है, जैसे जैसे मैं इधर स्क्रॉल करता जाऊँगा वैसे वैसे ये असाइन होता जाएगा अलग अलग में। तो चलिए मैं इसे देता हूँ 7 नंबर, अब आपके सामने है ये मिक्सर। सबसे पहली चीज़ अगर आप करना चाहें तो, मैं सिर्फ आपको इसकी ऑप्शंस वगैरह बता रहा हूँ, वो ये खुद भी मैं बहुत कम करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पर लिखा है रीनेम, रीनेम चलिए इसका नाम मैंने रख दिया है पियानो, राइट क्लिक चेंज कलर, ठीक है कलर कर देते हैं इसका ब्लू, चलिए ब्लू हो गया, राइट क्लिक चेंज आइकॉन, चलिए पियानो सा ले लेते हैं, चलिए ये भी आ गया। तो इस तरह से आप राइट क्लिक करके काफ़ी ऑप्शंस वगैरह हैं, आप थोड़ा फन कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आपके एक गाने के अंदर 50-50, 100-100 साउंड्स लग रही होंगी तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप राइट क्लिक करके सबको एक रंग दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। हाँ टेस्ट के मुताबिक है, आपको अगर अच्छा लगे डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ये इसका मेन लेवलिंग नॉब है, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम, वहाँ क्या वो बताता है इस पर मैं लिखे गया, हाँ हिंट पैनल में आप देखिए वहाँ लिखा है वॉल्यूम, यहाँ से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसे मैं प्ले करूँगा, ये देखिए सारे के सारे चैनल शांत हैं, सिर्फ 7 नंबर में वो दिखा रहा है, और ये है मेरा मेन मास्टर। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, ये आपने बहुत जगह वर्ड पढ़ा होगा या सुना होगा, यहाँ सब कुछ जितने भी ये लगे हुए हैं, मान लीजिए 1 से लेके 40 लेयर्स आपके गाने के अंदर हैं, तो आपने अलग 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 असाइन कर दी, तो 1 से लेके 40 की लेयर्स जो भी चल रही हैं वो अपने अपने के अंदर आपको यहाँ पर चलती नज़र आएंगी, लेकिन जो ओवरऑल गाना होगा वो आपको मास्टर में नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल हम चला रहे हैं पैटर्न वन जो 7 में है, तो आपको दिखेगा मास्टर में भी वो चल रहा है और 7 में भी वो चल रहा है। ये मेरा वॉल्यूम है, इसे मैं ऊपर नीचे करके देखूंगा, अगर आपको रीसेट करना है राइट क्लिक रीसेट, कभी भी कोई भी नॉब को पकड़ के ऐसे 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 नहीं करना है, राइट क्लिक करो रीसेट करो, वापस अपनी जगह पर वो आ जाता है। इसके ऊपर जो ये दिया गया है ये है पैनिंग लेफ्ट और राइट, राइट क्लिक किया रीसेट हुआ, वो भी रीसेट हो गया।
अब चाहे आप इस नॉब की बात करें, राइट क्लिक किया, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, मतलब आप लेफ्ट राइट यहां से पैनिंग ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर आप इसका वॉल्यूम भी ऑटोमेट कर सकते हैं। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, कोई भी नॉब आपको कहीं भी नजर आती है आप ऑटोमेशन क्लिप लगा सकते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप ये देख रहे हैं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बट फिलहाल मैं ये आपको नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एडवांस चीज़ें हैं जो आगे जाके हम अपने आप सीखते जाएंगे। अभी मेरा मेन काम क्या है, FL कीज मैंने ली, उसमें मैंने एक कॉर्ड प्रोग्रेशन रखा, उसे 7 नंबर में डाला, 7 नंबर के चैनल में असाइन हुआ, ठीक है, इधर वो बज रहा है। अब ये है मेरा मेन सेक्शन जहाँ पर मैं 10 स्लॉट मुझे दिए गए हैं, जहाँ पर मैं मैक्सिमम 10 इफेक्ट्स सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे पियानो के ऊपर या FL कीज के ऊपर लग सकते हैं। राइट क्लिक करके मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इफेक्ट्स वो नज़र आते हैं सिंपल, लेकिन हमने लेफ्ट क्लिक करना है, उन सब के यहाँ पर नाम आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, चलिए हम ले लेते हैं इफेक्टर। इफेक्टर क्या है हम आगे जाके भी सीखेंगे, फिलहाल मैं जो नॉब्स छेड़ रहा हूँ वो मैं वैसी करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि हाँ हम क्या क्या इफेक्ट्स कैसे कैसे खेल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट सिलेक्ट किया, मैंने कुछ अलग अलग नॉब्स यहाँ पर ऑन ऑफ करके देखी थी, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इफेक्टर हम पूरी तरह पढ़ेंगे कि ये सब कुछ क्या है, इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो कि ऑडियो इंजीनियरिंग के अलग अलग यहाँ टर्म्स लिखी हुई हैं। तो पहले हम 4-5 लेक्चर इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इफेक्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सामने हम देखें तो यहाँ ग्रीन बटन है, अगर ये ऑन रहेगा तो ये वाला इफेक्ट चल रहेगा इसके ऊपर, अगर ये ऑफ रहेगा तो वो इफेक्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा। देखें किस तरह से, जैसे ही ऑन होता है इफेक्ट ऑन हो जाता है, मैं यहां से ऑफ करता हूं इफेक्ट ऑफ हो जाता है। इसके साथ यहां पर दी गई है एक नॉब, आप ये इफेक्ट चाहे पूरा लगाना चाहें, चाहे हाफ लगाना चाहें, चाहे थोड़ा सा ही लगाना चाहें, आप उसका मिक्स लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप बोलेंगे मिक्स लेवल। राइट क्लिक, यहाँ पर भी क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप की ऑप्शन है, तो आप सोच सकते हैं मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 अलग अलग अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगाता हूँ जो प्रॉपर इसके ऊपर सेट हो रहे हों, और सबके ऊपर मैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप भी लगाता हूँ, तो कितना कुछ आप डब स्टेप ट्रैप ये जो आजकल नई तरह की साउंड्स आप सुनते हैं, ये कितनी वेरिएशंस आप इसके साथ खेल सकते हैं। पिंच एंड पंच चैनल है, आप उसके ऊपर जाके बॉलीवुड डबस्टेप चेक कर सकते हैं, वो सारे भी हमने ही बनाए हैं, वहां पर आपको डबस्टेप साउंड्स अलग अलग नजर आएंगी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, तो आपको पता लगेगा कि इतने सारे इफेक्ट्स ऑटोमेट करके ही वो सब कुछ बना है। मैं यहां से जाता हूं, चलिए यहीं सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर मैं लिखता हूं सनी देओल डबस्टेप, सनी देओल डबस्टेप ये लिखा है और ये सामने आ गया है, इस पर क्लिक करते हैं। पिंच एंड पंच ये हमारा ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग बॉलीवुड डबस्टेप्स मैंने बना रखे हैं, राखी हो गया, नाना पाटेकर हो गया, हो सकता है आपने पहले भी ये सुन रखे हों। तो आइए देखते हैं, मैं वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ। ये मजदूर का हाथ है कातिया, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद, बस बहुत हो गया बाबा। तो आपने देखा है कितनी सारी साउंड्स कैसे ये
अलग अलग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है, ये सब ऑटोमेशन का कमाल है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि एक्स वाई मॉड्यूलेटर्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स हैं, ये हम धीरे धीरे आगे जाके पढ़ते जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपको पता लग गया है, सबसे पहले आप यहाँ लेंगे पैटर्न, पैटर्न से लेंगे कोई एक साउंड सिलेक्ट करेंगे, साउंड को एक नंबर असाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर में वो मिक्सिंग चैनल असाइन हो जाएगा, वहाँ पर आप जाके कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं। अब अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इन इफेक्ट्स की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।